दोस्तों, क्या आपको पटाना है किसी भाभी या किसी लड़की को सिर्फ 5 मिनट में? अरे हाँ, अक्सर होता है कि आप रास्ते में कोई लड़की या भाभी दिख जाती है, आपको उसको पटाना होता है और आपके पास सिर्फ 5 मिनट ही रहता है। और अगर 5 मिनट में आपका काम नहीं हुआ तो आपका काम तमाम हो सकता है। तो क्या आपको उस 5 मिनट में मौका पर चौका मारना है? तो आज हम बताने जा रहे हैं कि कैसे किसी भी लड़की को या फिर भाभी को जब वो रास्ते में दिख जाए तो 5 मिनट में मौका पर चौका मारना चाहिए। पर उससे पहले एक बात कहूँगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो हमारी कहानियाँ हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने अक्सर देखा होगा कि जो सी टाइप के लड़के होते हैं, लड़कियाँ उसकी काफ़ी दीवानी होती है। आप सोचेंगे शकल तो उसके पास है नहीं, लेकिन लड़की देखो 5-6 लड़की लेके घूमता है। क्यों? क्योंकि वो सी होता है और सच कहूँ तो लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद होते हैं और फिर वो चाहती है कि वैसे लड़के उसकी पट्टे। और एक बात जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि आपको एक अच्छा सा हेयर स्टाइल करना चाहिए। अगर आप किसी लड़की को पटाना चाहते हैं तो आपकी उस लड़की का नज़र सबसे पहले आपके बालों की तरफ जाता है, तो हमेशा बालों पे हेयर स्टाइल करें। अभी जो न्यू फैशन चला है, बालों को थोड़ा सा स्ट्रेट करना, कलरिंग करना, ये लड़कियों को काफ़ी पसंद आएगा। दूसरा आता है कि परफ्यूम लगाना। देखो, अगर आप चाहते हो कि किसी भी लड़की या कोई इम्प्रेस हो 5 मिनट में, तो देखो लुक तो उतना अच्छा से मैटर करता है और उसके साथ ही जो मैटर करता है वो है आपकी बॉडी की परफ्यूम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके बॉडी से बहुत ही अजीब स्मेल आता है, तो आपकी बॉडी से अच्छा एक स्मेल आना चाहिए और फिर आना चाहिए आपके फेस में एक प्यारी सी स्माइल। तो जब वो लड़की आपको देखे, अनजान लड़की, तो बार बार आप भी उसे देखो, जब नज़रें मिले तो हल्की सी स्माइल दो और फिर एक कागज़ में अपना नंबर लिख के उन्हें जाकर दे आओ। क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो डर भी हो सकता है और अगर नंबर दे के आएंगे तो अगर उसके दिल पे कुछ रहेगा तो वो आकर आपको बताएगी। तो है ना सही बात? जी जरूर। तो ऐसे ही कीजिए, आप किसी को भी बस सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में पटा सकते हैं, भाभी हो या लड़की। लेकिन नंबर अपने पास रखना है, कागज में जरूर याद रखना, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपको सिर्फ फिर एक ऐसे ही वीडियो के साथ। एक बात याद रखिए, एक जाती है तो दूसरी आती है, लेकिन नंबर देना तो बनता है। चलिए, हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।